आज मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब, जो हमारा चैप्टर है करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो है ना कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल में ना एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये वायर है, इसमें करंट का डायरेक्शन होगा या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हमने मान लिया इसमें करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड। अब इमेजिन करो कि तुमने अपने राइट हैंड में ना इस करंट कैरिंग वायर को होल्ड किया हुआ है, इस तरह से होल्ड किया गया कि तुम्हारा थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट में। देखो हमने इमेजिन किया था करंट अपवर्ड है, तो ये आगे करंट अपवर्ड, यानी कि थंब डायरेक्ट कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को। जो तुम्हारी कर्ल फिंगर है, ये कर्ल फिंगर इस तरह से कर्ल हो रही है, देखो ये जो कर्ल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ क्या बताएंगे तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा इस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या है, इस तरह से चल रहा है। अब इसे अगर हम देखें, ये क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है। देखो मान लो एक क्लॉक रखी यहाँ पर, ठीक है, अगर क्लॉक इस टेबल पर रखी हुई है तो क्लॉक मूव करेगी इस तरह से, है ना, ऐसे कोई 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मूव करेगी, और हमारी फिंगर क्या जा रही है, इस तरह कर्ल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसमें क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। देखो एक सर्कल ये बनेगा, ठीक है, इसी के बाहर एक और सर्कल बनेगा और इसी के बाहर एक और सर्कल बनेगा, इस तरह सर्कल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, इससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना हम वायर के पास आएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें एक और चीज़ देखते हैं, अभी तो हमने देखा था करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, अब इसमें क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड करते हैं। देखो सेम वही वायर मान लो, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अब तुम्हें होल्ड करना है राइट हैंड से, और इस तरह से होल्ड करना है कि जो तुम्हारा थंब है वो पॉइंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो थंब तो नीचे की तरफ आ गया, तो देखो अब हमने इस करंट कैरिंग वायर को होल्ड किया, थंब पॉइंट्स डाउनवर्ड यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो कर्ल फिंगर है ये क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगी, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बताएंगे। तो अब ऐसे होल्ड किया ना हमने, इस बार कर्ल फिंगर क्या इस तरह से है, यानी कि क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि इसमें एरो कैसे मार्क होगा, क्लॉकवाइज एरो मार्क। और अगर ये अपवर्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये था हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये यूज़ कहाँ पे होगा, ये यूज़ एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में होता है, एक सर्कुलर लूप जो होता है उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन किस चीज़ के लिए, फाइंड करने के लिए यूज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फाइंड करने के लिए यूज़, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं, पहली चीज़ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, एंड थर्ड क्या ध्यान रखना होता है हमें, थर्ड ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ एक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऐसे, ठीक है, अगर यहाँ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यहाँ पे, उस सर्कल पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक कंपास रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक कंपास यानी कि कंपास नीडल, उस कंपास नीडल से हमें क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता।